बताओ धीरे धीरे कैसे चलाना है। Thank you.
तबले के जाने माने अजराड़े घराने की इस खूबसूरत प्रस्तुति के साथ ही म्यूजिकल हेरिटेज में आपका स्वागत है, और इसे बजाने वाले, इस खूबसूरत प्रस्तुति को पेश करने वाले उस्ताद अकरम खान हमारे साथ हैं। अकरम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बातचीत के सिलसिले को शुरू किया जाए अकरम साहब, तो पहला सवाल तो यही है कि जो नाद है, जो नाद को ब्रह्म कहा गया है, आप जब तबला बजाते हैं आपके लिए ताल की परिभाषा क्या है, आप ताल को कैसे परिभाषित करते हैं? शिवेंद्र जी, ताल को हमने समय से बांधा है। लय हर एक आदमी में है, जिसको पता है उसको भी उसमें भी है, जिसको नहीं पता उसमें भी है। लेकिन जिनको पता है उनमें और जिनको पता है जिनको नहीं पता है उनमें और उनमें फ़र्क है। तो जो एक समय को हमने नापा है, जब समय को हम लोग नाप देते हैं और उसको बांध देते हैं, लय तो सब में ही है, लय तो सब में ही है, लेकिन जब उस लय को हम लोग समयबद्ध कर देते हैं, समय से उसको बांध देते हैं, तो वो ताल हो जाती है। जैसे तीन ताल का जो समय है वो 1 से 16 मात्रे तक का है, जप ताल का जो समय है वो 1 से 10 मात्रे तक का है। अगर आप 10 से कम करेंगे तो जप ताल का समय ख़राब हो जाएगा, 10 से ज़्यादा करेंगे तब भी ख़राब हो जाएगा। तो ताल को हमने एक समयबद्ध किया हुआ है, उसको बांधा हुआ है, और उस ताल की जो अंदर की जो बाउंड्री है उसी में हम लोग बजाते हैं। तो जो भी ताल चल रही है उसके अनुसार हम अपना कायदा, रेला, तिहाई, गत, परन, टुकड़े वगैरह वगैरह सब उसी में हमें बजाना पड़ता है। इस तरह से ताल के अलग अलग सेक्शंस हैं और ताल को डिवाइड भी किया हुआ है, खंड में उसको बांटा भी है। जैसे जप ताल का खंड है 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, तो 2 3 2 3 का खंड में उसको बांटा हुआ है। तो हम जब बजाएंगे तो जो ताल का खंड है उसके हिसाब से ही बजाएंगे, 1 2 को अलग करके और 1 2 3 को अलग करके बजाएंगे, फिर हम इनको कंबाइन कर देंगे। तो जो हमारा जोर है, जब हम बोल पे जोर देंगे, वजन देंगे, एम्फेसाइज करेंगे, वो ऐसे होना चाहिए कि आपको ताल का नाम बताए बिना और हमारे वादन से, हमारे बजाने से पता चल जाना चाहिए कि ये ताल का खंड है तो ये जपताल ही है। अकरम साहब, जिस तरीके से हमने इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपका एक क्लिप दिखाई जिसमें आपकी एक पेशकश थी जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहचान है भी आपके घराने की, अब मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा अजराड़े घराने की जो खासियत है, किस तरह से ये घराना तबला के, तबले के जो दूसरे घराने हैं उनसे किस मायनों में, किन मायनों में अलग है? हाँ, ये वही बात आ गई, जैसे जपताल को, तीन ताल को सुनते वक्त आप कैसे पहचानेंगे। जिस तरह से बाप को और बेटे को देख के, बेटे को देख के पहचान लिया जाता है कि ये इनके फादर हैं, क्योंकि शक्ल मिलती है ना, इसी तरह से हम लोग ताल को पहचानते हैं, इसी तरह से हम लोग घरानों को पहचानते हैं। अलग अलग घराने की अपनी विशेषताएं हैं, अलग अलग घराने की अपनी ख़ास बातें हैं, अपनी स्पेशलिटी है। अगर स्पेशलिटी नहीं होगी तो घराना कायम नहीं होगा। अजराड़े की जो स्पेशलिटी है वो किनार का बाज है। किनार का बाज दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली का जो बाज है वो मध्य लय है, बराबर का बाज है, लेकिन अजराड़े का जो बाज है वो किनार का बाज है और हम उसको सुलफ का बाज कहते हैं। किनार और सुलफ, सुलफ के मायने हैं, सुलफ एक अल्फाज है फारसी का, उर्दू फारसी का अल्फाज है, सुलफ के मायने तैयारी के हैं। जिस कायदे में अजराड़े से पहले जो कायदे बजते थे वो बराबर के बजते थे, मध्य लय के बजते थे, लेकिन जब अजराड़े के कायदे बजे और बने तो तैयारी के कायदे बजे, और उन तैयारी के कायदों में किनार का प्रयोग किया और उसके विस्तार का प्रयोग किया। जैसे धा धा गिड़ना के दिने धागित्र के दिने गिड़ना के दिने गिने धागित्र के तिने गिन, धागित्र के दिने गिड़ना के दिने धागित्र के दिने गिड़ना के दिने धागित्र के तिने गिन, ता ता गिड़ना के तिने धागित्र के तिने गिड़ना के तिने गिने धागित्र के तिने गिन, धागित्र के दिने गिड़ना के दिने धागित्र के दिने गिड़ना के दिने धागित्र के तिने गिने था। घृणक, घृणान,
धा घृणक त्रिकट तक घृणक, ये जो कुछ इसमें फ्रेजेज आ रहे हैं ये अजराड़े से पहले नहीं बजते थे, और अगर बजते थे तो सुलफ के कायदों में नहीं बजते थे। इस तरह से अजराड़े के विस्तार पे और किनार पे और जो तैयारी के कायदे हैं उन पे काम हुआ, ये अजराड़े की विशेषता है। आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं तबले से, किस तरह का माहौल था अकरम साहब आपके घर पर और किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई और कैसे आखिर ये जो सफ़र है अपना जो आपका 30-40 साल का, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ याद करते हैं अपने पुराने दिनों के बारे में, अपने बचपन के बारे में? शिवेंद्र जी, सफ़र बहुत लंबा है और अभी भी सफ़र जारी है, क्योंकि ये जो सफ़र है कला का और तबले का, ये तो इसका तो कहीं अंत नहीं है ना। मैंने अपने परदादा जी से सीखा, उस्ताद मोहम्मद शफी खान साहब से, तो और अब मेरा बेटा ज़रगाम वो अपने दादा से सीखता है, मेरे फादर से उस्ताद हशमत अली खान साहब से। ये जो दादा पोते का जो रिलेशन है ये बहुत पुराना चला आ रहा है। मेरे फादर ने भी मुझे सिखाया लेकिन शुरुआत मेरी परदादा से हुई। उस वक्त मैं मेरठ में रहता था और मेरी उम्र होगी 8-10 साल की होगी, 8-9 साल की होगी, लेकिन मुझे होश है जब मेरे परदादा ने मेरा हाथ रखवाया और मेरे डैडी ने तबला मेरे लिए बनाया, उन्होंने मेरा हाथ रखवा के और जो बेसिक लेसन है ABCD है, काका गागा है, वो शुरू किया। और एक अच्छी बात यह कि वो अपनी गोद में बिठा के हम लोगों को सिर्फ वर्बली बताते थे, गोद में बिठा के। और क्या बताते थे? हाँ बेटा बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा। अभी हम धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा इसको ताल से कर रहे हैं। और वो क्या बताते थे? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 से 16 तक ऐसी जगह से उठना है कि जो हर मात्रा सम पे आए। देखिए बचपन में कितनी मुश्किल चीज़ बताते थे हम लोगों को, जब बच्चे की 8 साल की उम्र है उसको ये बताया जा रहा कि 1 से 16 तक कैसी जगह से उठना है कि 1 से 16 तक हर मात्रा सम पे आना है। तो वो शुरुआत मेरे परदादा जी से हुई और घर में तबले का माहौल रहा 24 घंटे, समझ लीजिए आप, जब तक मैं जागता था तब तक तबले की आवाज़ आती थी। दादाजी सिखा रहे हैं, उनके शागिर्द आ रहे हैं, मेरे वालिद साहब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, जब मैं नहीं सीख रहा हूँ तो और बच्चे सीख रहे हैं। तो मतलब एक जो साइकिल है वो टूटती नहीं थी हर रोज़ सीखने सिखाने की। नहीं तो मैं रियाज़ कर रहा हूँ, नहीं तो अब्बा जी रियाज़ कर रहे हैं, बजा रहे हैं, डैडी रियाज़ कर रहे हैं, मतलब घर में सुबह से ले कर शाम तक कहीं ना कहीं तबला चल ही रहा है। और अगर तबला भी नहीं चल रहा है तो वर्बली चल रहा है, ताल से चल रहा है, मुँह से पढ़ंत हो रही है। वो जो माहौल है वो बेहतरीन माहौल है, उसमें बच्चा ना सीखते हुए भी सीख जाता है। मतलब इनडायरेक्टली आप सुन रहे हैं ना, अगर आप सीख भी नहीं रहे लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको आवाज़ आ रही। हमारे यहाँ की तो लड़कियाँ तबले की बहुत सारी टुकड़े और गते याद हो जाती थी उनको, जो लड़कियाँ नहीं सीखती थी लेकिन क्योंकि घर में हैं और दादाजी परदादाजी या वालिद साहब सिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो भी इनडायरेक्टली सुन रहे हैं, तो उनको भी याद हो जाते थी। मेरी वालदा को बहुत सारी बंदिशें याद थी अपने घराने की, मेरे जो बहनें जो मेरी बुआ हैं उनको बहुत सारी चीज़ें याद। तो इस तरह से एक जो घर में माहौल बन जाता है उससे बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। अभी जो मेरा बेटा है ज़रगाम, वो कई बार डैडी से नहीं सीखता है मेरे, लेकिन डैडी मुझे बताते हैं तो उसको भी कान में आवाज़ आ रही है, तो उनको भी याद हो रहा है, या डैडी और बच्चों को बता रहे हैं तो ज़रगाम को भी याद हो रहा है। ये माहौल शिवेंद्र जी बड़ा अच्छा माहौल है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना मानना है कि जितने पेरेंट्स बच्चों को तबला या संगीत की शिक्षा देना चाहते हैं, वो पेरेंट्स कोशिश करके अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जहाँ 4-6 घंटा या जितना भी मैक्सिमम टाइम मिलता है बच्चों को, वो उसी माहौल में रहें,
अगर सीख रहे हैं तब भी उस माहौल में रहें, नहीं सीख रहे हैं तब भी उस माहौल में रहें, फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसके लिए उनको बच्चों को ले जाएं, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल रहा मुझे मिला। और मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे परिवार में हुआ, ऐसे बाप दादा मिले जिनको मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं ऐसे परिवार में हूँ, मुझे ऐसे बाप दादा मिले जिन्होंने मुझे ये इल्म दिया, ये कला दी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, और मैं यही चाहूँगा कि अगला जन्म हो कभी तो मुझे यही बाप, यही दादा, यही परदादा, यही ख़ानदान मिले, ताकि फिर से मुझे यही विरासत मिले। सर, आपकी जो पहचान है वो अगर देखी जाए तो एक सोलो कलाकार के तौर पर ज़्यादा है। मेरे दो सवाल हैं, एक तो ये कि आखिर तबले में क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या दुर्भाग्य है कि सोलो परफॉर्मेंस कम देखने को मिलती है? ज़्यादातर तबले का जो इस्तेमाल है वो एक संगत के तौर पर हो रहा है, एक संगत के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हो रहा है, कलाकार भी ज़्यादातर उसी के हैं, तो एक तो ऐसा क्यों है, और दूसरा ये कि फ़र्क क्या है जब आप संगत करते हैं किसी के साथ या जब आप सोलो परफॉर्म करते हैं, तो उन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है, दोनों प्रस्तुतियों में फ़र्क क्या होता है? बहुत सारा फ़र्क है। संगत का मतलब है कि आप किसी कलाकार के या किसी के साथ साथ जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों पे बंदिश रहती है, और बंदिश भी नहीं मैं कहूँगा, वो एक बड़ा अच्छा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि जिन कलाकार के हम साथ में बजा रहे हैं, हमारा जो तबला है, जो हमारा काम है, सबसे पहले तो उनके काम से मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ईस्ट में है तो हम भी ईस्ट में हैं, अगर वो वेस्ट में है तो हम भी वेस्ट में हैं। वो उनके हर एक कलाकार का अपना टेम्परामेंट है, बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, हर एक कलाकार का अपना टेम्परामेंट है, उनके मूड को समझना पहले तो, फिर उनके म्यूज़िक को समझना। अगर उनके मूड को नहीं समझा तब भी एक अच्छा संगतकार नहीं बन सकता, और उनके म्यूज़िक को समझना तब भी एक अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि उनके टेम्परामेंट को, उनके मूड को भी समझना है, लेकिन उनका जो म्यूज़िक है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। उनका म्यूज़िक क्या कह रहा है, विलंबित में है तो हमें विलंबित का ही चीज़ें बजानी चाहिए, मध्य लय में अगर वो काम कर रहे हैं तो मध्य लय में करना चाहिए, किसी जाति में काम कर रहे हैं तो हमें उस जाति के हिसाब से अपना छंद, अपना कायदा जो भी बजा रहे हैं वो बजाना चाहिए। वो कर रहे हैं तीसरी जाति में काम, हम उसको खंड जाति में कर रहे हैं, वो मैच नहीं करेगा, संगीत से मैच नहीं होगा। जिस तरह का वो श्रृंगार रस का काम कर रहे हैं, हम वीर रस का काम कर रहे हैं, वो मैच नहीं होगा, आप समझ रहे ना। वो कोई फ्रेज बजा रहे हैं जिसमें एक इबादत है, अल्लाह की एक इबादत है, ऐसा कोई फ्रेज़ बजा रहे हैं या ऐसी उसमें फीलिंग आ रही है, या वो ऐसा सोच के बजा रहे हैं कि मैं ईश्वर से, ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ, अल्लाह से इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरे काम में अल्लाह ताला थोड़ी तासीर दे। हम वहाँ ऐसा कोई विरह रस का कोई फ्रेज़ बजा रहे हैं, या मतलब तांडव रस का कोई, या मतलब कुछ ऐसा बजा रहे हैं उधर के जो उसको मैच नहीं कर रहा है, तो उससे हमारे एकम्पनीमेंट में और साथ संगत में फ़र्क आता है। जब हम सोलो बजाते हैं तो अच्छा, संगत साथ में एक और बात है कि एक तबला प्लेयर के लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि जिस जगह आप तैयारी पे बजा रहे हैं उसी तैयारी पे आपको बजाना पड़ेगा। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तैयारी पे बजा रहे हैं तो तबला प्लेयर को वहाँ बजाना ही बजाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ती है, और उस कलाकार को सोच के जाना पड़ता है स्टेज पे कि हाँ उस कलाकार की ये तैयारी है, इस छंद में इतनी चीज़ों में वो काम करते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में स्टडी करके जाना मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि चले गए आँख पे पट्टी बांध के और वहीं जाके बैठ गया कि अब जो भी होगा स्टेज पे देखा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको ठीक सोच के जानी पड़ेंगे, लेकिन कुछ परसेंटेज है, 30% या 40% ऐसा है कि जो स्टेज पे भी हो जाता है। अच्छा, अगर आप सोलो की बात करें तो एक तबला प्लेयर को जब बचपन में, जैसे मेरा बेटा है या और है, बचपन में उसको सोलो की तो ट्रेनिंग देते हैं, साथ संगत की थोड़ा ही देते हैं,
और जब वो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है तो तब तक भी उसको सोलो ही बजवाते हैं। सोलो में आप एक इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने हिसाब से सोचेंगे, अपने सोलो के लिए अपने कायदे, रेले, तिहाइयाँ, टुकड़े, गते, परने, और आप उसको कितना अच्छे से लोगों तक दे सकते हैं एक ट्रे में सजा के। मेरे पास में देखिए साहब, पेशकार भी है, कायदा भी है, उसमें बढ़त भी है, टुकड़े भी हैं, तिहाइयाँ भी हैं। तो सोलो असल में तबला जो है तो एक सोलो वादनी वादक वो इंस्ट्रूमेंट ही है, एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट है सोलो तबला। तबले को बनाया ही ये सोच के गया है कि ये एक सोलो इंस्ट्रूमेंट है, साथ संगत के लिए नहीं बनाया। और अगर ये सिर्फ साथ संगत का इंस्ट्रूमेंट होता तो इसमें सिर्फ एकम्पनीमेंट ही होता। इतने सारे घराने बने हुए हैं इसमें, ये कभी नहीं होते। देखिए कितने घराने और कितने घरानों पे अलग अलग लोगों ने काम किया है, और हर घराना अपनी शक्ल में अलग ही है, कोई किसी से मिलता नहीं है। वो अलग बात है कि हम लोग मिला दें उसको, वो अलग बात है कि हम लोग अजराड़ा के कायदों को दिल्ली में और दिल्ली के बनारस में, बनारस के लखनऊ में, वो अलग बात है, लेकिन अपनी इंडिविजुअल उसकी एक पहचान है। सोलो तबला एक बहुत ही बेहतरीन कला है जो अनफॉर्चुनेटली अभी कम भी हो रहा है, और दूसरा दुर्भाग्य ये है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि तबला सोलो भी बज सकता है या नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ सोलो तबले का भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। अभी देखिए कितने कितने फेस्टिवल्स होते हैं, अभी हुआ है फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल दो दो तीन तीन चार चार दिन का होता है, लेकिन उसमें तबला सोलो नहीं रखते हैं। तबला तो एक मुकम्मल साज है, तबले को बनाया ही और सोचा ही ये सोच के गया है कि जैसे एक राग को सोचते हैं, कायदे को बिल्कुल हम लोग वैसे ही सोचते हैं जैसे एक राग को सोचते हैं। जैसे राग में बढ़त है, राग में ऋषभ गंधार बढ़ते हैं, राग में वादी संवादी सुर होता है, कायदे में भी वादी संवादी बोल है, कायदे में भी ऋषभ गंधार बढ़ते हैं, कायदे को भी उसी तरह से सोचा है जैसे एक राग को सोचा है। कायदे में भी और तबले में भी उप शास्त्रीय संगीत के ठेके बने हुए हैं, अलग से लाइट म्यूज़िक के ठेके बने हुए हैं। जैसे राग में उप शास्त्रीय संगीत है, ठुमरी दादरा है या नहीं, इसी तरह से तबले में भी लोगों ने ठेके बांधे हुए हैं। चंचल ठेका अलग है, गंभीर ठेका अलग है, श्रृंगार रस के ठेके अलग हैं, वीर रस के ठेके अलग हैं। बहुत सोचा है भैया तबले में लोगों ने, इतना सोचा है कि मैं सोचता हूँ कि किसी और साज में भी लोगों ने इतना नहीं सोचा होगा। तबला एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, एक वाहिद इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसके अपने छः घराने हैं, बाकी और किसी साज के इतने घराने नहीं हैं। देखिए कितना सोचा होगा। तो लेकिन बड़ा एक दुर्भाग्य है कि इस वक्त में सोलो तबला बहुत कम है, लेकिन बजाने वाले भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा सोलो तबला बजाते हैं और उनको लोग सुनते हैं, लेकिन आम जनता में सोलो तबले की इतनी चाहत, इतना क्रेज़ नहीं है जितना कि होना चाहिए। ये हो सकता है हमारे तबला प्लेयर्स की भी कोई कमी हो इसमें, और उन्होंने वो चाहते ही नहीं हैं कि भाई एक तबला सोलो भी बजे। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना, अभी जैसे मैं कनाडा गया था, मैं अपने वालिद साहब के साथ में, उस्ताद हशमत अली खान साहब के साथ में, तो उन लोगों ने हम लोग का तबला ड्यूट रखा, और काफ़ी जगह यही रिक्वेस्ट आई कि तबला सोलो ही चाहते हैं हम लोग, क्योंकि खुदा की मेहरबानी से जहाँ जहाँ लोगों ने मेरा तबला सुना, मेरे वालिद का तबला सुना, वहाँ उसको पसंद किया। और क्योंकि एक सिलसिला है तबले में, अजराड़े के जो हम लोगों को जो तालीम दी है उसमें एक हम लोगों ने सिलसिला रखा है, जैसे राग का एक सिलसिला है, ऋषभ है, गंधार है, एक सिलसिला है ना, कभी ऋषभ लगा दी, कभी पंचम पे चले गए, कभी मध्यम पे आ गए, ये सिलसिला नहीं है। इसी तरह से हमारा जो तबला है वो सिलसिलेवार है, विलंबित से शुरू होता है तो मध्य लय में, तो द्रुत में, तो अति द्रुत में जाके ख़त्म होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने पसंद किया वहाँ,
और विरासत फाउंडेशन ने उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, हम लोगों को बहुत अच्छे से एक सीडी भी हमारा रिलीज़ हुआ उसमें विरासत के लिए, जिसमें मेरा बेटा जरगाम वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, और मेरा भतीजा है, मेरे भांजे हैं, मेरे और शागिर्द हैं, वो लोग इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने उसमें बजाया भी है 10 मिनट सोलो, आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से तबला सोलो मैं चाहता हूँ कि शिवेंद्र जी उसको और आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, ऑडियंस को उसको बढ़ाना चाहिए, कलाकार तो चाहते ही हैं कि उसको बढ़े, क्योंकि 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले तबला सोलो ही बजता था, ये तो बाद में जाके कलाकारों ने उसको साज संगत में भी इस्तेमाल किया। क्यों? उसका भी कारण है। तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इतना वर्सेटाइल है, और गाना, इंस्ट्रूमेंट, डांस, शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, लोक संगीत हो, फिल्म संगीत हो, सब में तो तबला बजता है। अब देखिए कितना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तबले के बिना संगीत मुकम्मल ही नहीं है। संगीत 50% 50% राग और 50% ताल। जब ताल की बात आती है तो तबले की बात आती है। अगर आप इसमें से तबला निकाल देंगे, ताल निकाल देंगे, तो 50% संगीत है जो सिर्फ गाने ही गाना है या बजाने बजाना। लेकिन जब ताल की, रिदम की बात आएगी, तभी जाके सुर और ताल कंप्लीट फ्रेज होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा। और उसमें भी, ताल में भी, रिदम में भी तबला बहुत ही अहम रोल निभाता है संगीत में। कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है कि जो हमारे शास्त्रीय संगीत के लिए मुकम्मल साज हो, मुकम्मल कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है एक्सेप्ट तबला। तो इस तरह से तबले ने बहुत इबादत की है, तबले में लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत इसमें काम किया है, बहुत सोचा है, एक एक बारीक चीज़ को भी बुज़ुर्गों ने सोचा है। तो आज मेरा जहाँ भी कोशिश होती है, मैं यही चाहता हूँ कि भाई इतने बड़े फेस्टिवल में एक तबला सोलो भी रख लो यार, कम से कम तबला भी लोग सुने, इसका भी मज़ा लें, ये एक मुकम्मल साज है, एक संपूर्ण साज है, इसको भी लोग सुने। मेरी अपनी कोशिश यही रहती है, और आगे देखते हैं कितना, कब तक मेरी कोशिश जारी रहेगी। सर, आपने अपनी बातचीत में अपने बेटे का जिक्र किया, यानी अपनी अगली पीढ़ी का जिक्र किया, विरासत का जिक्र किया। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बेटे को भी बुलाएं, और हमारे म्यूज़िकल हेरिटेज हमारी वेबसाइट के ज़रिए तबले के जो तमाम चाहने वाले हैं उनको भी पता चले कि आपकी जो अगली पीढ़ी है वो किस मजबूती के साथ कदम बढ़ा रही है इस क्षेत्र में, इस फील्ड में। ये जरगाम अकरम खान हैं, मेरे बेटे हैं, और अभी 11 साल के हुए हैं, और ये वैसे तो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन तबले का भी शौक़ है, मेरे वालिद साहब से सीख रहे हैं अभी। अच्छी बात यह है, क्योंकि घर में माहौल है संगीत का, तो ये भी बजाते हैं, अभी एक रिकॉर्ड भी किया है। मैं जो एक कायदा मैंने अपने बचपन में इतनी उम्र में सीखा था अपने गुरुजी से, वही इनको भी सिखाया है। देखिए वही परंपरा चल रही है। बाबू ज़रा वो बोलो, ताल से बोलो। आप जब स्कूल जाते हो, और आपके कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें भी सीखना है आपके पापा से? कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि आपके पापा बाहर जाते हैं और हमें आपके पापा सीखना है, हमें आपके पापा का तबला सुनना है। मज़ा आता है जब आप तबला बजाते हैं? जी। अभी डांट पड़ती है कि तबला ही बजाते रहते हो, दिन भर पढ़ाई नहीं करते?
पढ़ाई के लिए तो कभी कभी डांट पड़ती है और तबले के लिए भी डांट पीटती है कभी कभी। किसके साथ सीखने में मजा आता है, दादू के साथ या पापा के साथ? दोनों के साथ। चलिए जरगाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अकरम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारी 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 किस्मत है, हमारा सौभाग्य है कि हमने दो पीढ़ियों को एक साथ यहाँ पर से बातचीत की और आपकी आपकी प्रस्तुतियाँ भी देखी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले परफॉर्मेंसेस के लिए, आने वाले कार्यक्रमों के लिए। तो म्यूज़िकल हेरिटेज में तबले के जाने माने कलाकार उस्ताद अकरम खां साहब थे, उनके बेटे जरगाम साथ में थे। और अगली बार म्यूज़िकल हेरिटेज में हम आपके फिर मुलाकात कराएंगे किसी एक और बड़े कलाकार के साथ, एक और बड़े नाम के साथ, और शास्त्रीय संगीत की जड़ों को कोशिश करेंगे फिर से पहचानने की। नमस्कार।